అరే అరే లాగా జావ్ లాగా జావ్ ఇదే కొంచెం పక్కు మదర్ పేరా ఏం పెట్టున్నావు ఇల్లు మార్చి ఇచ్చేసావా ఇల్లు కబ్జానా आज कारण सर्च ऑपरेशन करके 11:30 बजे से अभी तक पूरा 25 टीम्स पुलिस टीम्स ये इल्लीगल फाइनेंसर्स के ऊपर सर्च ऑपरेशन कर दिया। अभी तक 30 आदमी को 30 इल्लीगल फाइनेंसर्स को अप्रहेंड कर दिया। इसमें कई लोगों के साथ बहुत बहुत डॉक्यूमेंट्स मिला है, मॉर्टगेज स्टैम्प्स, प्रॉमिसरी नोट्स। ये प्रॉमिसरी नोट में कोई फिगर भी नहीं रखा और चेक भी अमाउंट भी नहीं डाला, ब्लैंक चेक है, ब्लैंक पेपर से ये पूरा। ऐसा मामला में ये पूरा आरबीआई गाइडलाइंस के वायलेशन है और आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार बैंकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस ये फाइनेंशियल मैटर्स में जो एडमिसिबल इंटरेस्ट लेना है वही लेना, लेकिन ये लोग 30-40% पर महीने, एक महीने में 30-40%, एक्चुअली साल को 18% से ज़्यादा नहीं होना है मैक्सिमम। सो लेकिन ये लोग ईएमआई के रूप से चीट्स, इलीगल चीट्स, कोई लाइसेंस नहीं है किसी आदमी के पास, लेकिन ये गरीब लोगों को, मिडिल क्लास को ये तनख्वाह करके ये हरासमेंट कर रहे हैं। हमारा रमजान टाइम में भी बहुत कंप्लेंट्स आया, इसके लिए आज ही ये पूरा कारण सर्च ऑपरेशन में अभी तक 30 मेंबर को गिरफ्तार करी। इसमें 14 आदमी के ऊपर ऑलरेडी क्रिमिनल केसेस लगा रहे, बाकी लोगों को वेरीफाई कर रहे और मीर चौक डिवीजन में अभी भी सर्चेस कंटिन्यू हो रहे हैं रेन बाजार एरिया में। एक्चुअली 3 इयर्स के पहले ये पुराना शहर में ऐसा कारण सर्च में बहुत लोग मिला, 250 तक केसेस लगाया। उस टाइम में बहुत ख़राब थी मामला, लेकिन स्लोली स्लोली थोड़ा बेटरमेंट हो गया। जो आदमी ज़रूरत है वो चुपचाप के ले रहे, लेकिन हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट मार्केट डेट का लोन्स ले सकता है, लेकिन आरबीआई गाइडलाइंस एडमिसिबल लेवल इंटरेस्ट सूद लेना है। ऐसा बिना 30-40% ले लेंगे तो हम तेलंगाना मनी लेंडिंग एक्ट एंड 420 के अंदर उन लोगों के ऊपर सख्ती से एक्शन ले रहे। जफर पहलवान, कुछ अकबर खान, 3 आदमी के ऊपर पीडी एक्ट लगाया। सो अभी भी ये पुराना सभी लोगों के लिस्ट वेरीफाई कर रहे हैं। ये सूद कोर का जान पूछ कर नॉर्मल लोग को हरासमेंट करने वाले के ऊपर सख्ती से एक्शन ले लेंगे, पीडी एक्ट भी लगाएंगे। अभी ये 14 लोग अभी तक, पता नहीं वो नंबर इंक्रीज हो जाता रात तक, तो 14 आदमी को गिरफ्तार करके रिमांड भेजेंगे। सर ये लोग डायरेक्ट, ये लोग एजेंट्स हैं, ये लोग किसी के लिए वर्क कर रहे हैं या नहीं, ये लोग कौन का? मैक्सिमम आज जो आदमी मिला है ये पूरा ओनर्स है, वो खुद देता है ज़्यादा सूद के लिए। वो कुछ लोअर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, मॉर्टगेज भी। एक आदमी ये ब्लैंक चेक, ब्लैंक प्रॉमिसरी नोट में 2 लाख दे दिया, वो हाउस को मॉर्टगेज स्टैम्प पेपर में वो लिखा है। अगर वो इतना परसेंटेज में 2 लाख 3-4 साल में ये 20 लाख हो जाता है, वो हाउस कब्जा कर लेता है। थैंक यू।